पोषण सखी संघ के आह्वान पर गुरुवार को बोड़ो स्थित गांडे विधायक सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय के बाहर पोषण सखियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। पोषण सखियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी विधायक सरफराज अहमद को सौंपा। संघ की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष सैबू निशा ने कहा कि पोषण सखियों ने कोरोना काल में भी सरकार के आदेशानुसार अपनी ड्यूटी निभाई है, बावजूद इसके सरकार मानदेय वृद्धि को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से सेवा देने के बावजूद भी पिछले 7 महीने से सरकार मानदेय नहीं दे रही, जिससे भुखमरी की स्थिति आ गई है। बाध्य होकर पोषण सखी संघ ने यह निर्णय लिया कि पूरे झारखंड में सभी विधायकों के आवासीय कार्यालय में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया जाए। इसी के निमित्त गिरिडीह में भी गांडे विधायक सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय बोड़ो में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। मौके पर मौजूद विधायक सरफराज अहमद से वार्ता कर संघ सदस्यों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बाबत विधायक सरफराज अहमद से पूछने पर उन्होंने कहा कि पोषण सखी नियमित रूप से अपनी सेवा दे रही हैं, उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। कहा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा और उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक पहल सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रदर्शन में लक्ष्मी देवी, पूजा कुमारी, सोनी हांसा, रेणुका देवी, सरिता देवी, सुनीता देवी, मीना देवी, ममता देवी, शांति देवी, दिव्या देवी, रेखा कुमारी, सकीना परवीन, सबीला, असीरा खातून, किरण कुमारी सहित कई पोषण सखी उपस्थित रही। सारे विधायकों के घर पर आवास पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के तहत ये लोग मेरे आवास में भी आए, सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं कई एक बार हम हमारे ये लोगों से मिले हैं, चाय पानी भी पूछा गया है। तो मैं पर्सनली उन लोगों से मिल करके और जो इनकी मांग पत्र थी वो इन लोगों ने मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से इनके मांग पत्र को सरकार तक पहुँचा दूँगा। सर इसलिए कि 8 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं दिया गया है, हम लोगों को मानदेय भुगतान करवाया जाए, आज हम लोग विधायक आवास पे धरना दे रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया आप लोगों को कि जो आप लोग 8 महीने का मानदेय जो नहीं मिला है वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी बात जो है वो राज्य सरकार तक रखेंगे। बाकी रहा जो केंद्र सरकार है वो आप लोगों को टाल मटोल कर रही है, लेकिन राज्य सरकार डटी हुई है पोषण सखी को क्षेत्र कार्य क्षेत्र में रखने के लिए और मानदेय दिलाने के लिए।